नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच में आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय और दूरी टॉपिक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा चौथा टॉपिक है। अगर आपने बाकी तीन टॉपिक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 36 सेकंड में 240 मीटर का एक प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि डिस्टेंस d इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस है ट्रेन की लंबाई जो कि है 120 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 120 प्लस 240 और स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है और टाइम दिया हुआ है ये ट्रेन जो है 36 सेकंड लेती है, तो हम यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 बराबर s इंटू 36। तो यहाँ पे s का मान जो आ जाएगा वो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक कार 7 घंटों में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है कि 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करती है, तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। तो ये डी वन इक्वल टू हो जाएगा स्पीड वन इंटू टाइम वन। स्पीड वन जो दी हुई है वो 54 दी हुई है और टाइम वन है 7 घंटे, तो हमारे पास दूरी जो आ गई है वो आ गई है 54 गुना 7। ये पूरा हम ऐसे ही रहने देते हैं, इतना किलोमीटर आ गया है। अब जैसा कि दिया हुआ है समान दूरी को, मतलब कि ये डी वन इक्वल टू 54 गुना 7 ही रहेगा, 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए, तो स्पीड टू इक्वल टू हो जाएगा डी वन अपॉन T2, क्योंकि दूरी दोनों बार समान है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 54 गुणा 7 बटे 6 और 6 से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार और 9 सत्ते 63, मतलब कि हमारे पास आंसर आ गया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन सी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। मेथड सेकंड है कि अगर दूरी समान होती है, कि डिस्टेंस इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वह टाइम के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि इनवर्स रेशियो में होता है। तो S1 अपॉन S2 है तो T2 अपॉन T1 रहेगा, तो S1 अपॉन S2 रखते हैं पहले। तो S1 जो दिया हुआ है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और S2 तो ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं y है, और T2 जो दिया हुआ है 6 घंटे है और T1 है 7 घंटे, तो यहाँ पे 7 रख देते हैं। तो यहां से 6 एकम 6 और 6 9 54 और 9 सत्ते 63, तो y का मान जो है यहां से भी 63 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है सचिन एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में तय करता है, टिंकू भी समान दूरी 16 घंटे में तय करता है, तो टिंकू की गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ऐसा ही है कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी समान है, तो जब दूरी समान होती है तो उस केस में क्या होता है कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 होती है, तो टाइम 2 अपॉन टाइम 1 हो जाता है, मतलब कि इनवर्स रेशियो में हो जाता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे स्पीड 1 मतलब कि सचिन की स्पीड 40 है और टिंकू की स्पीड ज्ञात करनी है, इसको y मान लेते हैं, और T2 मतलब कि टिंकू के लिए टाइम जो है 16 घंटे है और T1 सचिन का टाइम है जो कि 4 घंटे है। तो यहां से जो सोल्व करेंगे 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 4 से यहाँ पे काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक खिलाड़ी 800 मीटर की दौड़ 96 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। सबसे पहले हम गति निकालेंगे इसकी मीटर प्रति सेकंड में, तो गति हो जाएगी स्पीड इक्वल टू दूरी जो कि 800 मीटर है बटे टाइम। ये आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड में। जब मीटर प्रति सेकंड को गुणा कर दिया जाता है 18/5 के साथ, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो लिखते हैं हम कि 800/96 × 18/5, तो यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 16 × 5 = 80 होता है, तो ये 160 आ जाएगा। इसको हम काटते हैं 6 से, तो 6 × 3 = 18 और 6 एकम 6 और 6 × 6 = 36, 16 से 160 10 बार कटेगा, तो यहां से ये आ जाएगा 10 × 3 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो ट्रेनें एक ही समय पर स्टेशनों ए और बी से क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कहां पर मिलेगी। तो मान लेते हैं यहां पे ये स्टेशन ए है और यहां का स्टेशन बी है। दो ट्रेनें हैं जो कि एक स्टेशन ए से चलती है, ये चलती है 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
और दूसरी ट्रेन जो चलती है बी, वो चलती है 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मान लेते हैं दोनों ट्रेनें ए और बी के बीच किसी बिंदु पी पे मिलती है और ए से पी तक की दूरी जो है ये वाई किलोमीटर है, तो यहां से पी से बी तक की दूरी हो जाएगी 1800 माइनस वाई। जैसा कि दोनों ट्रेनें मिलेगी तो समान समय के लिए चलेगी, मतलब ए से पी तक के लिए चलने के लिए टाइम और बी से पी तक के लिए चलने का जो टाइम है वो बराबर होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। जब टाइम समान हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस वन अपॉन डिस्टेंस टू इक्वल टू स्पीड वन अपॉन स्पीड टू। तो यहां पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कि डिस्टेंस वन अपॉन डिस्टेंस टू इक्वल टू स्पीड वन जो कि है 44 और स्पीड टू 46। तो यहां से काटेंगे तो ये आएगा 22 दुने 44 और 23 दुना 46। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 23y बराबर 1800 गुना 22 माइनस 22y। 22y को जब हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 22y और 23y मिलके हो जाएगा 45y बराबर 1800 गुना 22। और यहां से y का मान निकालेंगे तो 45 का भाग दे देंगे इसमें, तो यह आ जाएगा 9 से काटते हैं 9 पंजे 45 और 9 दुनी 18, ये 200 आ गया। और इसको 5 से फिर से काटते हैं तो ये 40 बार कट जाएगा। जब 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 880 किलोमीटर। तो वाई का मान आ गया 880 किलोमीटर, मतलब कि स्टेशन ए से पी तक की दूरी जो है 880 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हैं तो उसके घर से कार्यालय के मध्य की दूरी क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों के लिए दूरी समान है, मतलब कि घर से कार्यालय जाने के लिए और कार्यालय से घर आने के लिए दूरी समान है। तो दूरी जब समान होती है तो क्या हो जाता है कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। मतलब कि स्पीड वन अपॉन स्पीड टू होती है तो टाइम टू अपॉन टाइम वन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है पहले की कंडीशन में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और दूसरी कंडीशन में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीड वन जो कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्पीड टू 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये T2 अपॉन T1 आ जाएगा। मतलब कि T2 अपॉन T1 का जो मान आने वाला है वह सिंप्लीफाई करने के बाद में आ जाएगा 5/4। लेकिन अगर टाइम T2 5 घंटे है तो T1 जो है 4 घंटे हो जाएंगे। और जैसा कि यहां से कुल टाइम जो है वो 9 यूनिट आ जाएगा और 9 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, उसे कुल 9 घंटे लगते हैं तो 9 यूनिट इक्वल टू 9 आवर्स। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 घंटा। एक यूनिट की वैल्यू 1 घंटा आ गई है तो हम यहां से निकाल लेते हैं T2। तो T2 जो है 5 यूनिट है तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 घंटे। मतलब कि उसे दूसरी कंडीशन में T2 जो है टाइम है दूसरी कंडीशन का उसके अकॉर्डिंग 5 घंटे लगते हैं। तो दूसरी कंडीशन में वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो उसके लिए कुल दूरी हो जाएगी कि दूरी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगी 20 गुना 5 जो कि आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है सामान्य गति से 5/6 पर दौड़ने पर एक ट्रेन 10 मिनट देर से पहुंचती है, यात्रा को तय करने के लिए इसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं अगर वो 5 की स्पीड से दौड़ती है तो 10 मिनट देर हो जाती है और 6 की स्पीड से चलने पर उसको पूरा पूरा सही टाइम लगता है। तो 6 की स्पीड पे हम समय मान लेते हैं कि टी लगता है, तो 5 की स्पीड पे जो उसको लगने वाला समय है वो टी प्लस 10 मिनट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दोनों कंडीशन में दूरी समान है तो स्पीड वन अपॉन स्पीड टू बराबर हो जाएगा टाइम टू अपॉन टाइम वन। तो स्पीड वन जो है वो 5 की है और स्पीड टू 6 की है तो T2 अपॉन T1 जो है हमारे पास आ गया है 5/6। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों टाइम के बीच का अंतर जो है वो 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 मिनट के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों टाइम का अंतर जो है 10 मिनट है। तो 1 यूनिट बराबर 10 मिनट है तो हमको निकालना है इसका सामान्य समय। तो सामान्य समय उसको लगता है 6 की स्पीड के हिसाब से, 6 की स्पीड जो है वो S2 है तो T2 जो है उसका सामान्य समय हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो सामान्य समय आ जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 50 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में दिया है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित स्थान पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी स्थान पर वापस लौटती है, पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या है। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है कि स्पीड इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। या फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए औसत चाल जो होती है वो हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2,
जहाँ पे S1 जो है पहले वाली स्पीड है और S2 जो है दूसरे वाली स्पीड है, परंतु ध्यान रखना है दोनों में दूरी जो है समान रहनी चाहिए। यहां से स्पीड जो आ जाएगी हमारे पास 2 × 30 × 60, क्योंकि स्पीड 1 30 है और स्पीड 2 60 है, अपॉन 60 + 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो यहां से काटेंगे तो 30 * 3 = 90, और 3 से जब काटेंगे 60 को तो 20 बार कट जाएगा। इस तरीके से हमारे पास औसत चाल S बराबर आ गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो है ट्रेन से संबंधित है, इसमें दिया है 160 मीटर और 40 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें P और R समान दिशा में 75 मीटर प्रति सेकंड और 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ट्रेनें हैं, ट्रेन P और ट्रेन R। ट्रेन P के लिए जो चाल है वो है 75 मीटर प्रति सेकंड और ट्रेन R के लिए चाल है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहां से हम दोनों की सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो सापेक्ष चाल आ जाएगी हमारे पास 50 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सापेक्ष चाल जो है एक ही दिशा में चलती है। तो 75 माइनस 25 करने पे 50 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। यहाँ पे कुल दूरी जो है वो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों की दूरी मिलके हो जाएगी, तो L1 प्लस L2 करेंगे तो ये हो जाएगी 160 प्लस 40, ये 200 मीटर आ गया है। तो यहां से समय जो लगेगा, समय t बराबर आ जाएगा कुल दूरी जो कि है L1 प्लस L2 अपॉन सापेक्ष चाल। कुल दूरी हमारे पास है 200 मीटर और सापेक्ष चाल इनकी है 50 मीटर प्रति सेकंड, तो यहां पे 200 बटे 50 करने पे आ जाएगा 4 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 सेकंड, जो कि ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन भी ट्रेन से संबंधित है, जिसमें दिया है दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 120 मीटर और 130 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। यहाँ पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए यदि पहली ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगी सापेक्ष चाल होगी, जैसे कि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम सापेक्ष चाल। तो विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल हो जाएगी V1 प्लस V2। यहाँ पे दिया हुआ है कि समय 6 सेकंड है जिसमें दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है, तो ये हो जाएगा कि सापेक्ष चाल V1 प्लस V2 बराबर कुल दूरी, मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई बटे समय। तो दोनों ट्रेनें की दूरी जो है वो 120 मीटर और 130 मीटर है, तो 120 और 130 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 250, और समय जैसा कि दिया हुआ है वो 6 सेकंड है, तो हमारे पास ये आ गया ये मीटर प्रति सेकंड। परंतु हमें ज्ञात करना है कि दूसरी ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से भाग देंगे, तो यहां से काटने को जाएगा 6 * 3 = 18, और 5 से जब काटेंगे तो 5 * 5 = 25, ये आ गया हमारे पास 50 * 3। तो 50 * 3 करने पर V1 प्लस V2 का मान आ जाएगा 150, और दिया है पहली ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 70 + V2 = 150। तो यहां से V2 का मान जो है वो 150 - 70 करने पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो कुत्ते एक स्थान से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो 2 घंटे के अंत में वे कितने किलोमीटर दूर होंगे। जैसा कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल जो है वो दोनों की चाल को योग करके प्राप्त की जा सकती है। तो सापेक्ष चाल हो जाएगी हमारे पास 30 + 40 = 70 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि वो एक दूसरे से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूर जा रहे होंगे, तो 2 घंटे में उनके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल गुना समय करेंगे तो चाल है उनकी एक दूसरे के सापेक्ष 70 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 2 घंटे, तो ये हो जाएगी उन दोनों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन जो है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 18 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वह 120 किलोमीटर तय करती है 1 घंटे में, तो 120 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 120 × 1000 मीटर तय करती है कितने टाइम में, 1 घंटे में, और 1 घंटे को भी चेंज करते हैं 3600 सेकंड में। तो अब इसको फिर से पढ़ते हैं कि 3600 सेकंड में यह दूरी तय करती है 120 × 1000 मीटर, तो 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो 3600 सेकंड में दूरी तय करती है वह 120 × 1000 मीटर, तो हमको निकालना है सबसे पहले एक के लिए, तो एक के लिए हो जाएगा 120 × 1000 बटे
3600 और 18 सेकंड के लिए निकालना है, तो हम 18 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 18 दुने 36 और दो एकम दो और दो पंजे 10, तो 12 पंजे 60, लगी आ जाएगा 600 मीटर। तो आज के इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच का आज का ये जो चौथा वीडियो था, जो कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था, ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।